Hi students, welcome back to new video tutorial on Instagram marketing. It will be our last video on Instagram marketing. हमने Instagram marketing almost खत्म कर दिया है और इस video में हम Instagram का video ads मतलब Instagram पे ads कैसे चलाते हैं वो इस video tutorial में हम सीखेंगे. ये जो अभी मैं Instagram अभी ये जो video tutorial बना रहा हूँ ये पिछला video tutorial के just मैं आधा घंटे बाद इसे बना रहा हूं और मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अपना पहला इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया था और मैंने मेरा पहला इंस्टाग्राम अकाउंट पोस्ट डाला था. ये दो पोस्ट आप देख रहे हैं, ये जो दो पोस्ट है मैंने आधा पौना मतलब आई थिंक नॉट आधा पौना बट लगभग दो घंटे पहले मैंने इसको किया था. और मैंने ये जो मैंने टूल एवर लाइकर का था ये डाउनलोड किया था. ये जो टूल है ये क्या करता है, ये टूल आप जो भी यहाँ पे हैशटैग डालते हैं जो भी कीवर्ड डालते हैं उन कीवर्ड के पोस्ट को ये लाइक करता है. मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट एक्टिव कर लेता हूँ जिससे ये जो टूल है ये एक्टिव हो जाएगा. और ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जिन जिन लोगों ने हैशटैग यूज किया रहेगा उनके पोस्ट को ये लाइक करने लगेगा. तो अब तक इसने 45 पोस्ट को लाइक किया है. इसे क्या लाइक करने से क्या होता है कि ये आदान प्रदान है. हम आज तुम्हारे लाइक कर रहे हैं, तुम कल हमारे लाइक करोगे. और कि अब इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को ही पता चल जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इज योर मेन फोकस हैशटैग. और वो क्या करता है कि आपके आपका जो पोस्ट है उस रिलेवेंट सर्चेज में ज्यादा से ज्यादा दिखाता है जिससे आपको फॉलोअर मिलने लगते हैं. तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ये मेरा मोबाइल का स्क्रीन शेयर है और ये मेरा डेस्कटॉप का स्क्रीन शेयर है. ये दोनों में मैं आपको लेके चलता हूँ. ये डेस्कटॉप ये देखिए, ये 4 फॉलोअर्स मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में आज सुबह 2 बजे से ये 4 फॉलोअर मुझे फॉलो किए हैं. इनका प्रोफाइल में मैं जाता हूँ. ये मैं इन लोगों को नहीं जानता हु आर दे बट स्टिल दे स्टार्ट फॉलोइंग मी फ्रॉम टुडे. एंड ये देखिए अराइज डिजिटल फाइनेंस एजुकेशन. तो ये अराइज डिजिटल तो ये मेरा मेरे से रिलेटेड ही डिजिटल मार्केटिंग है जिसने अभी तक 4 पोस्ट डाला है और 27 फॉलो. ये तो मैं आपको पहले दिखाया था. ये जो दो है जैसे ये आई एम प्रिया सीज लुक लाइक समथिंग या सोशल मीडिया मार्केटर, 6 पोस्ट डाला है, 80 फॉलोअर है. सी इज ऑल्सो ए बिगनर एंड सी इज डूइंग सेम थिंग व्हाट आई एम डूइंग. तो इस तरह से आपको आपका फॉलोअर लिस्ट बढ़ाना है. तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है कि हम अपना पहला जो एड है वो कैसे चलाएं वो हम यहां से देख लेते हैं. लेट मी चेक माय व्हाट्सएप. ओके, ही इज कॉलिंग मी इन 5 मिनट्स. ओके, सो हियर वी गो. हम हमारा पहला एड यहां पे बनाने जा रहे हैं. एड बनाने के लिए आपको करना क्या है कि आपको आपका बनाया हुआ एड को बूस्ट करना है. एड आप आपके मोबाइल व्यू से ही बना सकते हैं. जैसे मेरा ये एड है, ये एड मुझे बनाना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रमोट करके एक बटन है. इंस्टाग्राम में अगर आपने फेसबुक पे ऐड बनाना सीखा है तो इंस्टाग्राम में ऐड बनाना बहुत 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 ही आसान है. बहुत ही आसानी तरीके से आप कोई भी लेमैन जिसको कुछ नहीं आता वो भी इसमें ऐड बना सकता है. तो आपको यहां से प्रमोट में जाना है. प्रमोट में जाके ये देखिए यहाँ पे रीच न्यू पीपल क्रिएट प्रमोशन का ऑप्शन आया. आपको क्रिएट प्रमोशन आ गया. यहाँ पे इंस्टाग्राम आपको बहुत सारे ऑप्शंस नहीं देता एड बनाने के लिए. ठीक है, मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको इंस्टाग्राम पे एड चलाना है तो आप आपके फेसबुक पे जाइए, वहां पे एड चलाइए और प्लेसमेंट में आप इंस्टाग्राम को सेलेक्ट कीजिए. जिससे क्या होगा कि 50 to 60% जो आपका एड है वो आपका एड फेसबुक पे चलेगा और 40% जो एड है वो इंस्टाग्राम पे चलेगा. तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले गोल सेलेक्ट करना होगा कि आपका जो एड आप चला रहे हो उसका मेन गोल क्या है. तो आप विजिटर को आपके प्रोफाइल पे आने देना चाहते हो या विजिटर को आपके वेबसाइट पे जाना चाहते हो या विजिटर आपको डायरेक्ट मैसेज करे. तो यहाँ पे मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा कि ऑलवेज ट्राई टू गेट पीपल ऑन योर प्रोफाइल, क्योंकि बहुत ही चांसेस कम है कि इंस्टाग्राम से एक एवरेज देखा गया है कि स्ट्रेटेजी देखा गया है कि इंस्टाग्राम से बहुत ही कम लोग है ना वो वेबसाइट पे जाते हैं. फेसबुक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आप आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके जा सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम इसका
प्रॉपर अपोजिट है, ये थोड़ा सा उसका ड्रॉबैक है। तो यहाँ से मैंने मेरा यूअर प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आप सेंड नेक्स्ट बटन आप दबा दीजिए। देन यहाँ पे एक पहला प्लेटफॉर्म, पहला ऑप्शन बाय सेलेक्टेड है कि ऑटोमेटिक आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। तो ये क्या करेगा कि आपके आसपास का जो ये सभी लोगों को ऑटोमेटिक मतलब सभी लोगों को आपका जो आप जो भी पोस्ट कर रहे हैं वो दिखाएगा। दूसरा, अगर आप आपका कस्टम ऑडियंस आपका खुद का ऑडियंस बनाना चाहते हैं तो आप जो सेकेंड ऑप्शन है क्रिएट योर ओन ऑडियंस, उस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे कुछ तो आप ऑडियंस का नाम दे दीजिए, माय फर्स्ट एड। आप कौन से लोकेशन को टारगेट करना चाहते हैं, लोकल, यहां से मैं थाने लोकेशन को टारगेट करना चाहता हूं। मैंने थाने लोकेशन सेलेक्ट कर लिया। थाने लोकल में क्या है, लोकल में आप रेडियस सेलेक्ट कर सकते हैं 5 माइल। तो लोकल में आप योर लोकेशन मतलब आप आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते समय जो एड्रेस डाला है उस एड्रेस से 5 किलोमीटर का रेडियस पे वो आपका एड दिखाएगा। तो ये 5 माइल, 5 माइल, 1 माइल लगभग 3 किलोमीटर होता है, 5 माइल मतलब 15 किलोमीटर। तो उस हिसाब से आप इसको थोड़ा सा समझ लो, आप 3 किलोमीटर ही आपका एड दिखाना चाहते हैं तो आप इधर 1 माइल सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपका एग्जैक्ट लोकेशन के आजू बाजू 3 किलोमीटर तक वो आपका एड दिखाएगा। तो ये एक आसान तरीका है अगर आपका लोकल बिजनेस है, जैसे कि आपका कोई होटल है या आप कोई प्रोफेशनल है और आपको सिर्फ आपके लोकेशन में ही 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में ऐड दिखाना है तो आप ये कर सकते हैं। बट अगर आपको किसी सिटी को ये करना है, टारगेट करना है, तो रीजनल आपको सेलेक्ट करना है, वहाँ पे जाके आपको सिटी को टारगेट करना है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 3,90,000 पोटेंशियल यूजर है। ये यूजर है मतलब ये इंस्टाग्राम यूजर है जिन तक आपका ऐड पहुंच सकता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर बजट। अगर आप ज्यादा बजट यूज करेंगे तो 3,90,000 लोगों तक ये आपको पहुंच सकता है। तो यहाँ पे फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, टिक पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे एक कॉलम है इंटरेस्ट का। तो आप किन सेलेक्टेड लोगों को आपका ऐड दिखाना चाहते हो। इंटरेस्ट बिहेवियर, मैंने फेसबुक मार्केटिंग में आपको इसको डिटेल में समझाया है कि द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप फूड का एड चला रहे हो द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन फूड। अगर आपका समझ लीजिए आप कोई एड चला रहे हो कंप्यूटर क्लास का द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर। मतलब उस हिसाब से आप ऐसे लोगों को यहाँ पे टारगेट कर सकते हो जिनका इंटरेस्ट, जैसे मैं यहाँ पे इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग डालता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग। तो अभी मेरा इंटरेस्ट जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की जो लोग है उन लोगों तक मेरा ऐड जाएगा। तो इंस्टाग्राम को कैसे पता चला कि डिजिटल मार्केटिंग किसका इंटरेस्ट है। तो आपको ध्यान होगा हर कोई अपनी प्रोफाइल बनाता है उसमें हैशटैग डालता है और जब भी आप किसी पोस्ट को लाइक करते हो तो आप उसके हैशटैग को आप इंस्टाग्राम को पता चल जाता है कि इस हैशटैग को यूज किए हुए पोस्ट को आपने लाइक किया है और वो आपको उसी पोस्ट को उसको इंस्टाग्राम सोशल मीडिया इनको सब पता रहता है कि व्हाट यू लाइक व्हाट यू बिहेव बिकॉज उस रिलेवेंट हैशटैग या कीवर्ड पे आप कंटिन्यू कमेंट या कंटिन्यू लाइक या पोस्ट करते रहते हैं जिससे सोशल मीडिया को पता चल जाता है। तो यहाँ पे मैं 2-3 इंटरेस्ट ले लेता हूँ। ऑनलाइन मार्केटिंग ये मैं सिर्फ डेमो के लिए ले रहा हूँ, आपको आपके हिसाब से जो ये है कीवर्ड हैशटैग है इंटरेस्ट है वो आपको आपके हिसाब से ही सेलेक्ट करना है। ऑनलाइन मार्केट ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है। तो यहाँ पे मैं 2 को सेलेक्ट किया, मैं बस इसको सेलेक्ट करता हूँ। आप इसके हिसाब से सेलेक्ट करते जाइए, जैसे आप स्टूडेंट को अगर टारगेट करना चाहते हो तो स्टूडेंट किस चीज़ में इंटरेस्ट है, स्टूडेंट क्या करता है, वो इंटरेस्ट में आप यहाँ पे वो इंटरेस्ट यहाँ पे आप डाल सकते हैं वो हिसाब से। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट नॉर्मली जैसे पबजी प्लेयर, पबजी में जो इंटरेस्ट है मतलब दे आर द यंग जनरेशन, या स्टूडेंट हुआ किसी कॉलेज का नाम डाल दीजिए, तो इस हिसाब से आप स्टूडेंट को टारगेट कर सकते हैं। नाउ ये मेरा जो ऑडियंस है मैंने सेलेक्ट ऑडियंस सेलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। तो ये आ जाता है बजट एंड ड्यूरेशन।
तो यहाँ पे आपको मिनिमम इंस्टाग्राम अलाउ करता है कि डेली आप अगर आपको एड चलाना है तो कम से कम आप 80 रुपए का एड चला सकते हैं। 80 रुपए के कम का एड एक दिन का आप नहीं चला सकते। तो यहाँ से आप आपका बजट 80 रुपया डाल दीजिए और यहाँ से आपको कितना दिन आपका एड चलाना है, तो यहाँ पे जो बजट है उसको मैं समझ लीजिए 120 रुपया, 160, 200 रुपया मैंने कर लिया है और उस एड को मेरा टोटल बजट है 1000 रुपया। तो मैं 200 × 5 दिन वो हिसाब से मैं 5 दिन एड चलाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए एस्टीमेट दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आपका जो एड है 30,000 से 79 मतलब 80,000 लोगों तक जाएगा। तो 30,000 से 80,000 मीन्स व्हाट, 30,000 से 80,000 मतलब आपका एड जो है मिनिमम 30,000 लोगों तक जाएगा। मिनिमम मतलब इट्स नॉट गारंटी, लेकिन 30,000 के आसपास जो है इतना तो जाता ही है। हर सोशल मीडिया अपना जो मिनिमम टारगेट है उसको अचीव कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि 30,000, सोचिए 1000 रुपए में आप 30,000 लोगों तक अपने पोस्ट को पहुंचा सकते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर सोशल मीडिया मार्केटिंग लाइक फेसबुक, गूगल एड्स या यूट्यूब एड। इंस्टाग्राम इज द चीपेस्ट मोड ऑफ एड, इंस्टाग्राम सबसे कम कॉस्ट लगता है। अगर आप यही 1000 रुपए का फेसबुक पे ऐड चलाएंगे तो आपका 4000 से 5000 मैक्सिमम आपका ऐड जाएगा। बट यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपका 1000 रुपए में आपका 30,000 टू 79,000 लोगों तक आपका जाएगा। तो अगर आप दूसरा कोई मोड ऑफ एडवर्टाइज, अगर आप पैम्फलेट भी छपवाते हैं तो आपको 2000 पैम्फलेट छपवाने का लगभग 1000 से 1500 रुपया लग जाएगा और वो 1000 पैम्फलेट 1000 लोगों से ज्यादा लोगों तक नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत ही चीपेस्ट मोड है और मैं यहाँ से नेक्स्ट बटन को क्लिक करता हूँ। तो ये यू आर ऑल सेट, ये आपका अकाउंट बन चुका है, ये आपका एड बन चुका है। अभी आपको पेमेंट का यहाँ पे पेमेंट का सिस्टम डालना है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, आप फेसबुक में अगर आपके फेसबुक वॉलेट में अगर बैलेंस है तो इन सारे सिस्टम से आप यहाँ पे पेमेंट को डाल सकते हैं। 1000 रुपया मेरा बजट है और 180 रुपया जो जीएसटी है वो 18% लग गया है, तो इस हिसाब से मेरा टोटल कॉस्ट मुझे पड़ रहा है 1180। तो अगर मैं देखते हैं क्या क्या, क्रिएट प्रमोशन पे जाता हूँ और देखते हैं क्या क्या पेमेंट का ऑप्शन है। ये डायरेक्ट थैंक यू फॉर योर प्रमोशन has been sent for you, oh my god, ये without मेरा payment gate के, ये मेरा जो ad है payment gate पे भी चला गया है and मैं pending for approval, I will disconnect it, sometime आप पहली बार अगर बनाने जाएंगे, मैंने अभी तक Instagram पे ad नहीं बनाया था तो I was not aware कि it will ask, मुझे लगा कि ये मुझे payment के लिए पूछेगा but it's directly, ये directly इसमें चला गया है। तो फिलहाल मैं इस ad को यहाँ से बंद कर दूंगा। आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो आपको ये पेमेंट का मेथड पूछेगा और वहां से आप पेमेंट मेथड डाल के आप इसको ये कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड को बंद करना चाहूंगा और मैं देखूंगा कि मुझे कहाँ से ऑप्शन मिल रहा है। मैं यहाँ से मेरे प्रोफाइल में जाता हूँ, यहाँ से मैं सेटिंग में जाता हूँ और सेटिंग में जाके एड्स करके देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, मैं एड्स में जाता हूँ। एड एक्टिव, मेरा जो एक्टिव एड है, यू आर एक्टिव सी द एड्स, यू आर नॉट रिसेंटली इंटरेक्टिव विद एनी, लर्न मोर अबाउट, यहाँ पे कोई एक्टिव एड नहीं, अबाउट एड्स देखते हैं। इसमें मेरा कोई इंस्टाग्राम का एड दिख रहा है, मुझे उसको जस्ट डीएक्टिवेट कर देना है, अदरवाइज मेरा 1000 रुपीज उस एड में चला जाएगा। तो ये अबाउट का कॉलम है, ठीक है। तो ठीक है, मैं चलो मैं यहाँ पे भी थोड़ा देख लेता हूँ। डिजिटल ये यहीं पे होना चाहिए, एड डिजिटल ओपन फेसबुक, ओके okay, आप यहां से फेसबुक अकाउंट डायरेक्टली, बहुत सारी चीजें मुझे यहां पे मतलब मैं ज्यादा इंस्टाग्राम यूज नहीं करता, आई हैव लर्न इंस्टाग्राम, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू, बट स्टिल बहुत सारी चीजें मुझे यहां से डायरेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट में भी जाया जा सकता है। तो यहां से लेकिन ऐड पे कहां पे जाना है वो मुझे यहां से पता नहीं चल रहा है, बट स्टिल आई विल सी आर्काइव्स, योर एक्टिविटीज में जाता हूं, 8 minute daily average, today notification, set reminder, your activity, मैंने यहाँ पे ऐड बनाया वो मुझे दिखा नहीं रहा है, फिर से मैं यहाँ पे बैक में जाता हूँ
or close friend, Discord people, open Facebook, inside your archives. ठीक है, ये ad active होने के बाद मुझे notification आएगा. At that time I will disconnect that ad. अभी तक ad column में ad के अंदर अभी तक active नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा. चलिए, ये आपका हो गया. और मैं अभी इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप फेसबुक से ऐड कैसे बना सकते हैं इंस्टाग्राम में. ये मैं अपने फेसबुक की वीडियो ट्यूटोरियल में अच्छे से सिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ, काफ़ी शॉर्ट में. आपको क्या करना है, फेसबुक के पहले क्रिएट में जाना है. फेसबुक अकाउंट के क्रिएट में जाके आपको ऐड पे क्लिक करना है, जैसे आप फेसबुक पे ऐड बनाते हैं उस तरह से फेसबुक में आपको ऐड बनाना है. आप सिर्फ फेसबुक अकाउंट से अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इंस्टाग्राम में ही मेरा ऐड चले, तो देखते हैं, शायद वो भी पॉसिबल है. लेकिन फेसबुक के कुछ जगहों पे आपका ऐड जाएगा और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ऐड फेसबुक पे चले. लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको इंस्टाग्राम पे ऐड बनाना है तो आप इंस्टाग्राम में जाके ही ऐड बनाएं, क्योंकि फेसबुक का ऐड जो रहता है वो थोड़ा कॉस्टली रहता है. तो कोई भी आप यहाँ पे अवेयरनेस कंसिडरेशन, कोई भी आप एक कैंपेन चूज कर लें और उस कैंपेन में चले जाएं. ये आपको मैं काफी शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ. कैंपेन का नाम आप सेलेक्ट कर लें, आपका बजट, डेली बजट आपका 1000, मैंने ऐसे डमी रखा है, इसको कंटिन्यू कर लें. तो यहाँ पे हम ऑडियंस के अंदर आ गए. आप यहाँ पे आपका ऑडियंस सेलेक्ट कर लीजिए. ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ. आपका लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, थाने डोंबिवली. आपका एज ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, ये सारी चीजें सेलेक्ट कर लीजिए. यहाँ पे आता है प्लेसमेंट. यहाँ पे जैसे इंस्टाग्राम में था ऑटोमेटिक, वैसे ही इसमें भी है ऑटोमेटिक एंड मैनुअल. आपको मैनुअल में जाना है. मैनुअल में जाने के बाद ये देखिए, ये चार टिक आपको दिख रहे हैं. अगर आप चाहते हैं देखिए, फेसबुक ने ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम को टिक किया है. आप चाहते हैं अगर इंस्टाग्राम पे भी आपका ऐड दिखे तो आपको इसको कंटिन्यू रखना है, और आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पे आपका ऐड ना दिखे तो यहाँ से आप इसको अनटिक कर दीजिए. और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपका जो ये ऐड आप बना रहे हो वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखे, तो वो ऑप्शन नहीं है. जैसे ही मैंने ऑडियंस नेटवर्क यहाँ से निकाला तो इंस्टाग्राम अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो गया. तो आपको ऑडियंस नेटवर्क और इंस्टाग्राम ये दोनों एक्टिव रखना है, जिससे आपका जो ऐड है वो ऐड आपका इंस्टाग्राम स्टोरीज पे रन होगा, इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर, इंस्टाग्राम फीड्स पे रन होगा. और यहाँ पे आपका ये जो ऐड है, ये देखिए ऐप्स एंड साइट्स, ये मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे ऐप्स पे मेरा ऐड नहीं दिखाना है. तो इन जगहों पे इंस्टाग्राम फीड्स, इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर और इंस्टाग्राम स्टोरीज, इन सारी जगहों पे आपका ऐड रन होगा. तो स्टूडेंट्स, इंस्टाग्राम बहुत बड़ा कोई सोशल मीडिया चैनल नहीं है, इसमें दिखाने जैसा और बाकी कुछ नहीं है. बहुत ही आसान सोशल मीडिया चैनल है. इसको आप बड़ी आसानी से आप इसको सीख सकते हैं और बड़ी आसानी से इसको आप रन कर सकते हैं. तो विश यू ऑल द बेस्ट, आप इसको सीखिए और बिना पैसे के आप एक अच्छा ब्लॉगर बन जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट कीजिए. और आई प्रॉमिस कि आज से मैं भी इसको वेरी जिस तरह से मैं अदर सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, इसको मैं अच्छे से यूज़ करूँगा. और आप देखिएगा DI डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगले 2 महीने में कितने फॉलोअर्स जनरेट करती है. फॉलोअर्स इज़ योर प्रॉपर्टी, इज़ योर एसेट. तो इस वीडियो में एक लास्ट में आपको ऐड करना चाहूँगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपका मेहनत उसी के ऊपर डिपेंड करता है. हर कोई भी काम करता है तो इट इज़ फॉर दी मनी. तो आपके माइंड में एक चीज़ होगा कि इंस्टाग्राम से कैसे कमाया जाए. तो एक सेकेंड में आपको बता रहा हूँ, लेट मी हैव सम वाटर. So, यहाँ पे इंस्टाग्राम के कमाने के तरीके मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहला है, आप सबसे पहला मैं ले लेता हूँ एड्स. आपका कोई प्रोडक्ट है, आप एड के जरिए उसे सेल कर सकते हैं. दूसरा है एफिलिएट मार्केटिंग. अभी एफिलिएट मार्केटिंग ये क्या है, ये मेरे वीडियो ट्यूटोरियल में आप पूरा डिटेल में जान सकते हैं, बट स्टिल मैं एफिलिएट मार्केटिंग आपको बता देता हूँ कि
एफिलिएट एंड मार्केटिंग, अभी यहाँ पे मेरे 4 फॉलोअर हैं। अगर आप यहाँ पे मेरे 4,00,000 फॉलोअर हो गए, 4,00,000 फॉलोअर होने के बाद मेरे कैटेगरी से रिलेटेड, मेरे नीड से रिलेटेड कंपनियां मेरे पास आने लगेंगी। वो मुझसे रिक्वेस्ट करेंगी कि प्लीज आपका जो एड है वो मेरे जो मेरा जो प्रोडक्ट है आप आपके इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट ये कीजिए, आप डिस्प्ले कीजिए। या सबसे आसान तरीका एफिलिएट मार्केटिंग, सॉरी मैं एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है एफिलिएट मार्केटिंग पहले मैं बता देता हूँ, मैं दूसरा आपको लाइक मैं सॉरी मेरा स्पेलिंग थोड़ा सा कच्चा है, स्पॉन्सर्ड एड्स। तो ये एफिलिएट मतलब कैसा कि देखिए आपको अगर आपके 1,00,000 फॉलोअर्स है, 1,00,000 फॉलोअर्स है, इसका मतलब आप एक ऐसे पावरफुल इन्फ्लुएंसर हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं। इसका मतलब आपकी बात में दम है, आप जो बोलते हैं लोग उसको सुनते हैं। तो आपने किसी वेबसाइट पे समझ लीजिए टाइप कर लिया किसी वेबसाइट से उसके प्रोडक्ट का, और आपने आपके यहाँ पे 1,00,000 फॉलोअर हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में या उस सर्विस के बारे में आपने आपके पोस्ट में अच्छे से समझाया और आपके पोस्ट में लिख दिया कि प्लीज बाय दिस थिंग फ्रॉम हियर, और किसी ने उसके लिंक को क्लिक किया और वेबसाइट पे जाके अगर उसने बाय किया तो उसका जो कमीशन है वो आपको मिलेगा क्योंकि आपके लिंक से वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे गया है। एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा डिटेल में वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए आप प्लीज हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का वीडियो ट्यूटोरियल जरूर देखिएगा। तो ये एक होता है एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरा होता है स्पॉन्सर्स एड। स्पॉन्सर्ड एड मतलब ये 1-to-1 एड है, 1-to-1, जैसे कि अगर आपके 1,00,000 फॉलोअर हो गए तो आप अगर यहाँ पे आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में आप दिखाते हैं कि आप किसी को फॉलो करते हैं तो उनको लोग ज्यादा फॉलो करने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप भूल जाइए, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट में किसी ने आप अगर आपके 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 फॉलोअर्स आ गए तो पब्लिक आपके पास आने लगेगी और आपको बोलेगी कि मेरे इस प्रोडक्ट को आप प्लीज आपके मेरा एक पोस्ट जो है आप आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाल दीजिए या मेरे प्रोडक्ट को आप आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में दिखाइए। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल बोर्निटा है, बोर्निटा पाउडर है, यहाँ पे मैं एक पोस्ट बनाता हूँ और मैं उसमें डालता हूँ कि यस बोर्निटा बूस्ट माय ब्रेन, इट गिव मी एनर्जी, इस तरह का मैं लिख के यहाँ पे पोस्ट डाल देता हूँ और वो मेरा पोस्ट है वो कुछ नहीं तो 50,000-1,00,000 लोगों तक पहुँचता है। तो इसके बदले में दैट कंपनी विल पे मी सम अमाउंट, सम फीस दैट कंपनी विल पे मी। तो दिस इज हाउ आई कैन अर्न थ्रू स्पॉन्सर्ड एड्स। तो ये कुछ जरिया है। अभी तक इंस्टाग्राम ने मोनेटाइजेशन जैसा जो स्कीम है जो यूट्यूब में है, यूट्यूब में आप व्यूज से पैसा कमा सकते हो, फेसबुक में वीडियोस में आप व्यूज से पैसा कमा सकते हो, गूगल एडसेंस है आपके बैनर एड्स डिस्प्ले एड्स से आप पैसा कमा सकते हो, ये सारी चीजें अभी तक यहाँ पे इंस्टाग्राम में नहीं चालू की है, लेकिन जहाँ पे आपके फॉलोअर्स हैं वहाँ पे आप किंग हो। अगर आप यहाँ पे फॉलोअर बढ़ाने पे सफल हो गए तो डेफिनेटली मेनी कंपनी विल अप्रोच यू एंड यू विल बी द बॉस। सो ओके, सो इंस्टाग्राम वीडियो ट्यूटोरियल हम यहाँ पे ही खत्म करते हैं एंड आई होप आपको इंस्टाग्राम के बारे में मैंने ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट जानकारी दिया ऐसा तो नहीं बोलूंगा बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग ये समथिंग ये कभी खत्म नहीं होती, इसका कोई एंड नहीं है। आप जितना ज्यादा ज्ञान इसके बारे में आप जमा करेंगे उतना ही कम है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज होल एंड सोल अबाउट द रिसर्च। कहीं पे आप किसी चीज को स्टैम्प नहीं मार सकते कि ये चीज ऐसे ही होता है, वो चीज होने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और सारे तरीके आपको सर्च करने हैं और बहुत बार कोई तरीका आपको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको कुछ समय वेट एंड वॉच करना पड़ता है और उसके बाद आपको पता चलता है यस ये चीज मैंने किया तो ये ऐसे हुआ और इसका ये रिजल्ट आया, तब आपको पता चलता है आप दूसरों को बता सकते हैं कि ये ऐसा करो। मीन्स आई एम
फोकसिंग ऑन SEO, SQL, SEO क्या, इसके बहुत सारे एल्गोरिदम है जो आप करते हैं और उसके बाद आपको ट्यूबलाइट जलती है कि अरे मैंने ऐसा किया था तो ये ऐसा हुआ। तो ऑलवेज 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 डू सर्च रिसर्च इन डिजिटल मार्केटिंग, और जो भी मैं ट्यूटोरियल बता रहा हूँ उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा आप ज्ञान प्राप्त कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलो करिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आप फटाफट आपके चैनल बना लीजिए, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बना लीजिए और आपका फॉलोअर बढ़ाना चालू कर दीजिए। ओके, सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।